मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम की कुर्सी संभालते ही कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कहा कि मेरी पद की कोई इच्छा नहीं, फिर भी यदि आला कमान मुझे इसकी जिम्मेदारी देगा तो मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। ये बात सही है कि सभी विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और हाईकमान को भेज दिया है और कहा कि जो हाईकमान फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अब इसमें किसका नाम है, किसका नहीं है, किस क्षेत्र का है, किस वर्ग का है, ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। जो हाईकमान का आदेश होगा उसको सभी लोग मानेंगे। यदि आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या तैयार रहेंगे? नहीं, देखिए मेरी कोई ऐसी भारी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी बढ़ाने के लिए अगर पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी, हाईकमान किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देंगे, तो मैं उन पर 21 नहीं 19 नहीं बल्कि 21 खड़ा उतरूंगा। बता दें कि बीते दिनों भोपाल में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ नदारद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं फूल सिंह बरैया ने अपने वादे के मुताबिक बीजेपी की जीत पर अपने मुंह पर कालिक पोतने के वादे को पूरा किया था। दिग्विजय सिंह भी बरैया के साथ लाव लश्कर के साथ भोपाल में थे। दिग्विजय सिंह ने ही बरैया के मुंह पर काला टीका लगाया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसे अपना नेता प्रतिपक्ष चुनती है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।